दोस्तों आप सब लोग WhatsApp का यूज़ तो करते ही होंगे। अगर आप WhatsApp का यूज करते हैं तो आपके फ़ोन में दिखाई देता होगा ये आई बटन दिखाई दे रहा है। आखिर में आई बटन होता क्यों है? अगर होता भी है तो इसका सेटिंग क्या क्या सिस्टम है? अगर आपको नहीं पता है तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आई बटन के इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिर इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है? अगर आप WhatsApp चलाते हैं इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आपका WhatsApp चलाना बेकार है। दोस्तों चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पास किसी मैसेज किया है, WhatsApp पे वीडियो भेजा है या फिर किसी ने फोटो भेजा है, तो आप क्या करेंगे? आपको जो WhatsApp में आएगा वो उसे ओपन करेंगे और वो आपके अपनी गैलरी में सेव हो जाता है। वीडियो फोटो जो भी है तो वो आपकी गैलरी में सेव हो जाता है। उससे क्या होता है, आपके घर वालों को या फिर आपके दोस्त गर्लफ्रेंड जो भी है आपको, उन सबको वो आपका फ़ोन लेंगे और आपका फ़ोन में देख सकते हैं। गैलरी में जो भी WhatsApp पे आया होगा वो देख सकते हैं। अगर आप किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड दोस्त या घर वालों का अगर दिखाना नहीं चाहते हैं, आप वीडियो फोटो जो भी आपको WhatsApp में आया आप चाहते हैं WhatsApp में ही रहे, तो उसके लिए आई बटन का यूज़ किया जाता है। आखिर आई बटन का यूज़ कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सिंपल से जाना है, अपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे देख सकते हैं आई बटन दिखाई दे रहा है, आई बटन पे यहाँ पे जाएंगे, इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा आ रहा है, आपके सामने लिखा आ रहा होगा यहाँ पे मीडिया विजुअलिटी। तो मीडिया विजुअलिटी पर जाना है आपको और यहाँ पर दिखाई डिफ़ॉल्ट यस और यस और नो, तीन ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं, नो पे क्लिक करने के बाद आप ओके कर देंगे, ओके क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं आप जो भी WhatsApp पे अगर आपके जो भी आएगा फोटो वीडियो जो भी आएगा तो आपके केवल WhatsApp में ही रहेगा और वो गैलरी में सेव नहीं होगा। अब से जब से ये सेटिंग ऑन कर देंगे, आप नो पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपके ये WhatsApp में ही रहेगा, ये गैलरी में नहीं जाएगा। अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट यस पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते तो जो भी आपके फ़ोन में WhatsApp पे जो भी आएगा फ़ोटो वीडियो जो भी आएगा तो आपके वो गैलरी में सेव हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके घर वाले जो भी है आपका कुछ भी हो वो आपके घर वाले गर्लफ्रेंड या फिर दोस्त कोई भी देख सकता है। और इस तरीके से अगर आप नो पे क्लिक करते हैं और WhatsApp में ही रहेगा तो WhatsApp पे आपके कोई नहीं देख पाएगा। तो आखिर ये राज ये था WhatsApp पे आई बटन का। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो वीडियो को कमेंट में बता देना, और अगर नहीं पता था तो तब भी एक कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।